वैसे तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कई नेता दम भरते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार का क्या स्तर है इसके बारे में कोई नहीं सोचता। और इस भ्रष्टाचार की चक्की में पिसते हैं वो लोग जो किसी भी राजनीतिक दल को इस भरोसे के साथ वोट देते हैं कि शायद उनके आने से देश में भ्रष्टाचार का स्तर कम हो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देश का नाम मिट्टी में मिलाने में आमादा रहते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला मुजफ्फरनगर में देखने को मिला, जहाँ निर्माणी गांव के लेखपाल लोकेश कुमार का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लेखपाल लोकेश कुमार किसान से रिश्वत ले रहा है। लेखपाल का घूस लेते हुए वायरल वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोप है कि लेखपाल ने जमानती जांच के नाम पर किसान से 1400 रुपए रिश्वत ली। उसी दौरान रिश्वत लेता लेखपाल मोबाइल के कैमरे में कैद हो गया। कर्मचारी को अपने आप उसको ठीक है जी। आपको बता दें कि लेखपाल लोकेश कुमार सदर तहसील में तैनात है। वही मामले की पूरी जानकारी मिलते ही एसडीएम ने लेखपाल लोकेश कुमार को सस्पेंड कर दिया है। वहीं ये भी कहा गया कि इस मामले पर जानकारी मिलते ही कार्रवाई हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक यही मामला है, ऐसे बहुत से मामले हैं जिनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है कि इस मामले में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। इस तरह का अगर कोई मामला दिखे तो लोगों को जागरूक रहना चाहिए, बजाय रिश्वत देकर उस अपराध में शामिल होने के लोगों को इसके खिलाफ कदम उठाकर ऐसे कृत्य को सरकार के समक्ष लाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।